महामंडलेश्वर नेपाली बाबा गुरुवार को उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कंप्यूटर बाबा पर निशाना साधा। नेपाली बाबा का कहना है कि संत राजनीति की शिक्षा जरूर देते हैं, लेकिन राजनीति नहीं करते हैं। कंप्यूटर बाबा ने संतों के विपरीत कार्य किया, जिसका उन्हें परिणाम भी भुगतना पड़ा। महामंडलेश्वर नेपाली बाबा ने बताया कि विश्व में कोरोना के संकट को खत्म करने के लिए उत्तराखंड के गंगोत्री से उन्होंने देश भर की 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन की यात्रा आरंभ की है। इसी क्रम में गुरुवार को राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं, इसके बाद ओंकारेश्वर दर्शन करेंगे। कंप्यूटर बाबा के बारे में नेपाली बाबा ने कहा कि कंप्यूटर बाबा को राजनीति करने के लिए पहले भी मना किया था। संतों का काम राजनीति करना नहीं, बल्कि राजनीति की शिक्षा देना है, जबकि कंप्यूटर बाबा इसके ठीक विपरीत राजनीति कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। संतों का सदैव अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, अपनी मर्यादाओं में रहकर ही हर काम संतों को शोभा देता है। बाबा से भी कई बार बोल चुके थे कि आप इस राजनीति के दौरा में मत रहिए, यह राजनीति किसी व्यक्ति विशेष का होता है, राजनीति संतों के लिए नहीं होता है। संत राजनीति क्या करता है? संत के यहाँ लोग जाते हैं राजनीति पढ़ने के लिए। राजनीति पढ़ाओ, राजनीति करो मत, राजनीति करो मत, राजनीति पढ़ाओ, ये संतों का काम है। संत का काम है आशीर्वाद देना, संत का काम है तलवार चलाना नहीं। कहीं संत तलवार चलाते देखे हो क्या? ये लोग सब तलवार चलाते हैं, इसलिए संत के कैटेगरी से ही लोग गिरे हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि अभी से जहाँ हो वहाँ संभलो और भगवान का भजन करो, भगवान से क्षमा याचना करो, ये भगवान मुझको क्षमा दो। मैं और दूसरी नहीं, निंदा की बात से, विशेष बात से नहीं, सरकार की निंदा नहीं, न कंप्यूटर की निंदा, न दुनिया की निंदा हमारे पास नहीं है। सब अपने अपने धर्म पर चलो। संत संत अपना काम करे, गृहस्थ अपना काम करे, राजा अपना काम करे, रंग अपना काम करे, यही तो राम राज में होता था। आप ये मानते हैं कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए? नहीं, संतों के राजनीति में नहीं आना चाहिए। या हम खुल क्या, हम आप लोग भी अपने सोचिए कि संत यदि राजनीति करे, संत को तलवार चलाने का अधिकार नहीं है, तलवार चलाने के सिखाने के अधिकार है। जैसे भगवान राम जंगल में गए तो भगवान राम को पूरा अस्त्र शस्त्र सिखाए, कि क्या संत लोग जाकर के लंका में लड़ाई लड़े? ऐसी बात तो नहीं होता है, तो उसको संत कहाँ कहा जाएगा? जब देखो माता केकई ने भगवान राम को जब राज तिलक होने लगा तो शत्रु भाव से भगवान राम को वह वनवास नहीं दी, क्योंकि भगवान राम में वह योग्यता नहीं थी। केकई के पुत्र के नाते केकई जो है सो अपने राम को अस्त्र शस्त्र यानी राजनीति में निपुण होने के लिए वो जंगल में भेजी। संत कहूँ उस नीति दशान उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? ना ही, देखिए इस्तीफा हम नहीं कहेंगे किसी को इस्तीफा देना, किसी को ये करना, वो भी राजनीति नहीं, राजनीति में हैं। देखिए उसमें लिखा है, आप लोग पत्रकार हो, आप लोग तो हमारी बात हर बात कहीं गूगल में डाल देते हो। एक बार मैं महाकाल में अभिषेक में आया तो आप लोग बोला कि देश दुनिया के विषय में बोल दो, तो मैं बोला कि 15 वर्ष मोदी राज करेंगे। तो मोदी को किस उद्देश्य में बोला कि 14-15 वर्ष राज करेंगे? मोदी पूर्व का तपस्वी था, लिखा है शास्त्र में कि तपचुक राज चुक नर का है ना। तो तपस्वी जब चुकता है तो उसको राजा बनाया जाता है, जब वो राजा बनता है और धर्म का काम करे तो फिर उसको मोक्ष हो जाता है, यदि राजा बन करके अब फिर अधर्म का काम करे तो उसको नरक हो जाता है। तो मोदी में मैं यही गुण पाया कि मोदी जो है सो पहले का तपस्वी है, साधु था, तो उसको राज की इच्छा हुई तो उसको राजा बना, लेकिन राजा बन करके भी उसमें अहंकार नहीं है। एक बात आप लोग देखे हैं कि हर राज्य के मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ उसको बोल देते हैं, नहीं बोलते थे, कुछ कटु वचन भी बोल देते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन वह है साधु, सबकी बात को सहन करते हुए वह अपने साधु बाद में है। अभी मैं देखा उसका छोटा छोटा दाढ़ी था और बड़ा बड़ा दाढ़ी, लेकिन हम तो टीवी भी देखते नहीं हैं, न मोबाइल रखते हैं, न मोबाइल चलाते हैं, लेकिन देखा कि एक बार देखा था कि उसका दाढ़ी छोटा छोटा था, अब दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया। हमको तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वह कुछ दिन में तो बैराग न ले, है ना, ऐसा उसमें लक्षण है, क्योंकि पूर्व का वो तपस्वी है ना, वो अपने जगह पर पहुँच जाएगा, तो हमको संभावना ऐसा ही है। लेकिन मैं बोल चुका हूँ कि 15 साल वो भारत का शासक रहेगा और धार्मिक शासक रहेगा। उसके राज में देखो राम जन्मभूमि के विषय में आप लोग तो सुने होंगे, कितने मुख्यमंत्री, कितने प्रधानमंत्री सब चले गए, कोई नहीं बनाया, लेकिन एक मोदी ने ही ऐसा भारत में सुपुत्र जन्म लिया, उस राम जन्मभूमि को निर्माण स्वयं अपने हाथ से किया। तो मैं उसको बधाई देता हूँ कि उसकी आयु में वृद्धि हो और सद्बुद्धि उसको बना रहे, इस तरह के काम करे, क्योंकि वो संत है, असंत के रूप में रहेगा, मैं ही उसको कहूँगा।
अभी तो अब दूसरा क्या आप लोग कहवाओगे, लेकिन यही। गौरतलब है कि पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस समर्थक कंप्यूटर बाबा ने दौर के गोमटगिरी पर गौशाला की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसके चलते इंदौर जिला प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार कर उनके अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। वहीं अब कंप्यूटर बाबा के खिलाफ अब साधु संतों में खुलकर मैदान में आ गए हैं। उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।